बिरला ही होता है और किसी किसी को मिलता है। बड़े भाग्य से हमको तुमको सबको समरसन शब्दभेदी सद्गुरु की प्राप्ति हुई, जिससे नाम शब्द तरह अनुभव अनुभूति हुई, दिखाई सुनाई पड़ा। अगर शब्द भेदी सदगुरु नहीं होता, समर्थ नहीं होता, तो अनुभव अनुभूति होने की कोई बात नहीं। प्रेमियों, जो गुरु समर्थ होता है, पूरा होता है, सच्चा होता है, उनके बच्चों को अनुभव अनुभूति होती है, दिखाई सुनाई पड़ता है, अंदर में शब्द करता है, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलती है। प्रेमियों, शब्द सुनावे सो गुरु पूरा, जो शब्द सुनाता है वही गुरु पूरा है, उसी चरणों में गिरना चाहिए। और जो शब्द ना सुना दे, आँख कान ना खोल दे, उस तरह से गुरु करने से क्या फायदा। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो दस, दस पांच गुरु कर लो। तो प्रेमियों, सांचे समरसन सदगुरु, जिन्होंने नाम दान दिया और आगे देंगे, शब्द भेद करवाया, आगे भी करवाएंगे, और इस समय छटनी का माहौल जो चल रहा है वो सबसे बड़ी घृणा लगा, सबसे बड़ी से बड़ी। मन मोटा हो गया, चलो सत्संग सुन लो, आ रहे भैया, टाइम नहीं,
परवाना आ जाए कोई टाइम नहीं। प्रेमियों वो मालिक सब देखे, करता धरता वही है, देता भी वही है। जिसके तुम बच्चे हो दे वही रहा है, कोई दूसरा देने वाला। आप किसी भी दरवाजे पर चले जाओ तो वहाँ यही है, अगर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका हर पर आएगा मालिक तेरे नाम। आप दूसरे के दरवाजे सतगुरु जय गुरुदेव हे प्रभु आपके दर्शन ही तो आए, आपकी जो मैं दया मेहर हो वो आशीर्वाद दे दे। ऐसा ये नहीं कि हे प्रभु हम ये मांगने आए, देने वाला तो सबसे पहले बैठा है, वो दे रहा है, वो देख रहा है, समझ रहा है तो देगा। आप किसी दूसरे से मांग रहे हैं और वो जान रहा है कि ये मेरे नहीं है, मेरे दरवाजे पर केवल मांगने के लिए है, तो ये भी कहेगा कि मैं दूंगा नहीं या दूंगी नहीं। तो प्रेमियों जो साचा समरसन करते हैं वो चौबीसों घंटे देख रहा है, सब स्वरूप भी तुम्हारे अंदर में विराजमान है, कंजगुरु अंदर में विराजमान है, अंदर वाले अंदर में विराजमान है, तो अंदर वाले से तो काम है। बाहर से आएंगे सर ठोक देंगे, सत्संग सुना देंगे, नामदान देंगे, दया दुआ दे देंगे, नहीं अंदर से तो दे ही रहे। तो अभी अंदर से जब मिल रहा है गन गना गन टन टना टन ढन टना ढन बज रहा, तो उसमें दिक्कत किस बात की। आसरा लगाए रखो कि प्रभु जी एक दिन आएंगे सबरी की तरीके से। आप सबरी बनते नहीं, सबरी में आस नहीं छोड़ी, सारे काम को छोड़ दिया लेकिन आस नहीं छोड़ा। वो बराबर आस्था बहाती, फूलों को सजाती, एक ना एक दिन हमारे भगवान जी आएंगे। तो भगवान जी उसके आए, आप सहारा छोड़ दोगे, आसरा छोड़ दोगे, नहीं करोगे तो भगवान जी तो आएंगे पर तुम्हें ही गुरेज होगा, तुम्हें ही हजियत लगेगी, तुम्हें ही दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी कि हमने ऐसा नहीं किया, बड़ा गलत काम किया। तो प्रेमियों रोज मन मंदिर, और नहीं घर में तो सबके मंदिर है ही पहले से, जहां पर आपने गुरु महाराज का तीर्थ स्वरूप लगा रखा वहां रोज धूप दीप अगरबत्ती कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, नहीं दीपक से जलाते ही होंगे, किसी न किसी दिन हर गुरुवार को चार पुष्प चढ़ाते ही होंगे, वही तुम्हारा मंदिर। और ये असली मानव पोल, मनुष्य रूपी मानव पोल, ये तुम्हारा मंदिर असली मंदिर, इसमें घंटा घड़ियाल संत नगाड़े ढोल सब कुछ बजता है, जो सुनता है वो तो जानता है बजता है, जो नहीं सुनता तो कहता है ढोल नगाड़े कहाँ अंदर में बजेंगे, तो बाहर बजता है, लेकिन सब कुछ बजता है। सतगुरु बाहुरु बताए दिव्या, सतगुरु बाहुरु बताए दिव्या, दिव्या नाम उचारो, दिव्या नाम उचारो, नाम भजन का मार्ग पहले मुंह से जी भी नहीं कोई दिक्कत की बात है।
मुंह से बोलो। जब राम रटन लग जाएगी, हरि का रटन लग जाएगा, गुरु का रटन लग जाएगा, धीरे धीरे अंदर का भी जपन हो जाएगा। तो अंदर और बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर करते 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 गुरु का ज्ञान आने लगेगा। बोलो, अंदर से नहीं मिलता तो बाहर से बोलते जय गुरु जय गुरु सतगुरु जय गुरु सतगुरु जय गुरु सतगुरु जय गुरु सतगुरु जय गुरु। क्या किया है? कुछ दिन के बाद में उनको होश आएगा, नहीं अंदर अंदर नहीं बोलना, तो धीरे धीरे से उधर भी सीख जाएंगे। लेकिन अभी इधर बोलना सीखा नहीं तो इधर से ही बोल लेंगे। मालिक ने कहा, कोई दुख मुसीबत हो मेरा नाम पुकारोगे मैं तुमको मिलूंगा, उनको पुकारोगे तो तुमको मिलेंगे। अब आप अरे हरे हरे, तो कौन हरे और कौन हरे हरे? अपने स्वामी को, अपने सद्गुरु को याद करोगे तो स्वामी सद्गुरु तुमको मिलेगा, आएगा, दया कृपा करेगा, हर प्रकार से तुम पर दया दुआ बरसेगी। ज्ञान की गंगा सतगुरु देते, ज्ञान की गंगा सतगुरु देते, चरण बैठ नहाओ, चरण बैठ नहाओ, दूर देश में क्या रखा, दूर देश में क्या रखा, ज्ञान गुरु का पाओ, ज्ञान गुरु का पाओ। यहाँ कहने का मतलब यही है गुरु महाराज के, मेरे पास बैठ गए, अंदर में बैठा हूँ तो अंदर में बैठ करके, बाहर में बैठा हूँ तो बाहर में बैठ करके नाम भजन कर डालो, किसी प्रकार से तुमको मिल जाएगा। और तुम सोचते हो कि वहाँ जाएंगे तो मिलेगा, इधर जाएंगे तो मिलेगा, उधर जाएंगे तो मिलेगा, ये करेंगे तो मिलेगा, ऐसे कैसे? कोटवा धाम में समरस संत के जीवन था, उनके शिष्य दूलनदास, तो कहा हजूर हम चाहते हैं कि जगन्नाथपुरी चले जाएं, वहाँ एक चद्दर चढ़ाएं। तो कहा कि बच्चा वहाँ इतनी दूर थकने क्यों जाओगे, यहीं चढ़ा दो। तो कहा नहीं महाराज, माने तो कहा चले गए, तो चले गए, चद्दर ले गए, वहाँ चढ़ाया, कहा साहेब करके चढ़ा दिया। जब वहाँ से लौट करके आए, फिर मन हुआ कि जाए गुरु साहब का दर्शन कराए, तो जब पहुँचे तो गुरु साहब वही चद्दर ओढ़े बैठे, तो कहा प्रभु ये चद्दर तो हमने वहाँ चढ़ाई थी। तो कहा बच्चा क्या कह के, कहा साहेब आपको कहकर के चढ़ाया था, तो कहा मुझको कहकर के चढ़ाया था तो मुझे को तो नहीं लगता, मैंने तो पहले ही कहा था कि वहाँ के बजाय यहाँ चढ़ा दो, तो तुम नहीं माने, तुम्हारी इच्छा हुई कि हम वहाँ जाएंगे। वैसे प्रेमियों हम कहीं भी जाएंगे किसी भी के पास, लेकिन निकलेगा गुरु का नाम वही, गुरु होगा वही। तो सबसे पहले जब वो आएगा देने वाला, तो जो देने वाला दे रहा है तो अगला देख रहा है कि बराबर इसको मिल रहा है, ये मेरे दरबार में दर्शन करने के लिए आया है, तो खाली तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ वहां से मिल जाएगा। इधर गुरु दरबार से भी मिल रहा है, पर जो जड़ है, जड़ से आज फांस से भागो, जो जड़ है जड़ में तुमको कुछ मिलने वाला चेतन में सब कुछ मिलेगा। सूरज जीवात्मा चेतन है, सदगुरु स्वामी चेतन है, चेतन से चेतन में मिलेगा, जड़ से जड़ में क्या मिलेगा? ये शरीर जड़ है, मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, अगर एक उंगली कट जाए, भी नीचे गिर जाए, तो ये भी सड़ करके मिट्टी हो जाएगी।
और जितना बचा है वो भी जड़ लगा ही रहेगा। तो प्रेमियों ज्ञान पान कर तू सतगुरु का, ज्ञान पान कर तू सतगुरु का, नाम भजन मन लावे, नाम भजन मन लावे, स्वर्ग वैकुंठ तुझे मिली जावे, स्वर्ग वैकुंठ तुझे मिल जावे, ज्ञान गुरु का पावे, ज्ञान गुरु का पावे। इधर सतगुरु बतला रहे कि तुम यहाँ धरा धाम पर बैठे हो, ये मनुष्य रूपी मानो पोल किराए का मकान, इसमें दरवाजा है, खिड़की खोलो तो स्वर्ग लोग और ना खोलो तो मृत्यु, खोलो तो स्वर्ग लोग और ना खोलो तो मृत्यु। खुलेगी कैसे? समरसन सतगुरु के नाम भजन के द्वारा। जब तुम नाम भजन करोगे अंदर में चढ़ाई होगी, खिंचाव होगा, घटपट खुल जाएगा, दिव्य आँख शिव नेत्र ज्ञान चक्षु आपका खुलेगा, तीसरी आँख खुलेगी। आप सोच रहे हो तीसरी आँख, भाई कहाँ, दो ही आँख। अरे प्रेम, जब तुम सोते हो सोने में स्वप्न देखते हो, स्वप्न देखते हो कि हम अयोध्या पुरी गए हैं, सरयू मैया में स्नान कर रहे हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, बड़ा आनंद आया, सुबह उठे तो आज हम तो अयोध्यापुरी गए थे पर हम तो सो रहे थे, पर अयोध्यापुरी अंदर अंदर मनवा चला गया, तो मन नहीं गया था, वो जीवात्मा गई थी। जीवात्मा में आंख है, दो आंख तुम्हारे शरीर में, एक आंख जीवात्मा में कितनी हुई, तीन, तीन आंख, तीन नाक है, तीन कान है, अगर उसमें ना हो तो तुम्हें सुनाई उनाई नहीं पड़ेगी, अगर इसी से सुनता होता तो जीवात्मा जब निकल जाती है तो इसमें फिर भी सुनाई पड़ता, पर ये जड़ हो जाता है, चेतन ता खत्म हो जाती, चेतन निकल जाता है तो चेतनता खत्म हो जाती है। तो प्रेमियो सतगुरु समझा रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, वैकुंठ दिखाई पड़ेगा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब तुम स्मरण ध्यान भजन करोगे तब एकाग्रचित्त होकर के बैठोगे, एकाग्रचित्त होकर के बैठोगे, घटपट तुम्हारा खुलेगा यहाँ, और जब यहाँ बैठते हो तो जो प्रेमी है उनसे पूछो, भैया हमको कैसे दिखाई पड़ेगा, थोड़ा हमको भी पर्दे कर करा दो, हमारे भी कान में उंगली लगा दो, हमको भी आंख पे उंगली दिखा दो, थोड़ा सूर्य भगवान का पर्दे कर करा दो, क्या कैसे क्या होता है हम भी देखें उसमें क्या करा जाता है। लेकिन आप कहोगे भैया जी आए थे बताया है कल करेंगे, कल हुआ तो कहे परसों करेंगे, अच्छा कल फिर करेंगे तो कल तो कभी आएंगे, तो आप कब करेंगे। स्वामी जी ने कहा कि नाम भजन कर, उस नाम भजन को करो जीवात्मा जाग जाए, जागृति आ जाए, मन बुद्धि चित्त पवित्र हो जाए और लगन मगन हो जाओ, और इस लगन में चढ़ जाओ, ये जो गगन देख रहे हो इस गगन में चढ़ जाओ, इस गगन के ऊपर कई गगन, तो दूसरे गगन में जाओ, तीसरे गगन में जाओ, चौथे गगन में जाओ, पांचवे गगन में जाओ, पर जाओ, और इस गगन के नीचे कुछ मिलने वाला नहीं, बस वही नून तेल लकड़ी, नून तेल लकड़ी में ही फंसे रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। पर अगर इस नून तेल लकड़ी से समय निकाल लिया,
ये घंटे सुबह और एक घंटे शाम को तुम्हारा पूरा परमार्थ बन जाएगा। 10 घंटे नहीं करना, एक ही घंटे करना। एक घड़ी आधी में पुनिया वो शादी संगत साथ की कटे कोट अपराध। एक घड़ी 22.5 मिनट तो कम से कम एक घंटा तो करो, एक घंटा करो मन लगा करके। सैन में हो या बैन में हो, जो कुछ दिखाई सुनाई पड़े उसको लिख के जाओ। आज हमने ये देखा, कल हमने ये देखा, कल हमने ये सुना, परसों हमने ये देखा, जिससे तुम्हारी यादगारी रहेगी। उसको पलट पलट करके 2-4 साल बीत जाए तो देखते रहो और एक तुम्हारी डायरी एक किताब बन जाएगी कि आपने इतने दिन के अंदर में अपने सदगुरु की दी हुई राम रतन धन नाम जड़ी से हमने बहुत कुछ देखा। ये नाम की जड़ी है, जो मंत्र मिला है वो नाम की जड़ी है, उससे रगड़ाई होती है और उसी से चमक आती है। ज्ञान गुरु का सीख प्यारे, ज्ञान गुरु का सीख प्यारे, शिव बोले दरबारा, शिव बोले दरबारा, ज्ञान की गंगा तुम में उतरे, ज्ञान की गंगा तुम में उतरे, श्री हरि का है द्वारा, श्री हरि का है द्वारा, भोलेनाथ खुश हो जाए, भोले की तरह हो जाओ, समाधि लगा लो, वो भी समाधि में बैठते हैं, तुम भी समाधि में हो जाओ। समाधि जब लग गई और श्री हरि का घाट दरवाजा खुल गया तो स्वर्ग दिखने लगा, वैकुंठ दिखने लगा, शिवपुरी दिखने लगी, ब्रह्मपुरी आने लगी, नाना प्रकार की चीजें दिखने, उस आवाजें भी आने लगी। अब स्वर्ग वैकुंठ की रील चल रही है, आवाज आ रही है, पूरी दया के पास प्रभु की मालिक की हो रही है। लेकिन जब आप ब्रह्मलीनता में जाएंगे तो एक ब्रह्मलीनता ये होती है कि शरीर छूट गया उसको भी ब्रह्मलीन कहते हैं, एक ब्रह्मलीनता उसको कहते हैं जो साधना में बैठते हैं एकाग्रचित्त होकर के, उसको भी ब्रह्मलीन कहते हैं कि किसी से कुछ लेना देना नहीं, चुपचाप बैठे हैं एक घंटे के। सूरज चढ़ गई, जीवात्मा चढ़ गई तो जितनी देर वो चढ़ी रहेगी उतनी देर की आयु आपकी बढ़ती रहेगी। श्वासें जो निकलती है वो श्वासों की गति बहुत धीमी होती है, आपको ना के बराबर ही हो जाती है। अब लोग सोचते हैं कि पहले जो किया पहले से बहुत सस्ता किया गुरु महाराज ने, अब करना लोग नहीं चाहते, लेकिन पहले से बहुत सस्ता किया। पहले पता चलता था कि गला सूख रहा है, सांस बंद होने वाली है, अब मर जाएंगे, बस उसी डर से छोड़ देते थे माला भजन करते। कहते थे कौन मरे, अगर मरी जाएंगे तो इसको भजन करके क्या करेंगे। अब ऐसा होता नहीं, अब सांस धीमी पड़ जाती है, गला सूखता नहीं, गला तर रहता है, उस मालिक की दया हो जाती है, घटपट खुल जाता है, दिखाई सुनाई पड़ने लगता है। उस समय का कौन करार या दया मेहर जो भी थी वो भी गुरु महाराज की, और इस समय की जो दया मेहर वो भी गुरु महाराज की ही है। इस समय सतयुग की दया कर गया, सतयुग जी महाराज उस लोक से धराधाम लोक पर उतर आए, उनका काम होना बाकी है और जिस समय स्टार्ट होगा उस समय ये बुराई रहने नहीं देंगे और कलयुग जी महाराज बुरा वो भी नहीं रहने देंगे, ये ना बुराई रहने देंगे ना वो बुराई रहने देंगे, वो भी अपना कर्जा मांगेंगे कि जो कुछ है दो
और ये कभी कहेंगे कि लेकर के भाग। चीज एक ही है, कुछ अलग नहीं है। सब जो योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरे भव करनी, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पर। चीज तो बराबर ही है, यहाँ नाम आधार है, करो और पाओ। उसमें विज्ञान है, उसमें भी हरि का ध्यान करना है, इसमें भी नाम का ध्यान करना है। हरि का ध्यान इधर भी करना है और हरि का ध्यान उधर भी करना है। समरसन सद्गुरु मिलने की जरूरत है। समरसन सद्गुरु की पहचान 15 दिन, विश्वादिन नहीं 15 दिन। हे मेरे मालिक, वक्त के सन सद्गुरु हमें दर्शन दो। तो जो वक्त का सन सद्गुरु होगा, मालिक होगा, वो दर्शन देगा। जिससे आपने नाम दान दिया है उस नाम भजन को करो और उसके बाद में यही कहो, हे मेरे मालिक, वक्त के संसद गुरु हमको दर्शन दो। हम कौन से गुरु को गुरु माने, नाम तो मिल गया, नाम तो कोई भी बता दे, नाम मिल गया है या पता चल गया है, तो हे मेरे वक्त के संसद गुरु हम पर दया करो, हमें दर्शन दो। तो जो वक्त का संसद गुरु होगा वो तुमको दर्शन देगा। वो समरस है, वो सुनता है। भवर ज्ञान सतगुरु नहीं जाने, भवर ज्ञान सतगुरु नहीं जाने, पुष्प फूल पर मंडरा रहे, जाना नहीं चाहता, तो जबरदस्ती कौन पकड़ ली जाए। रात को आप मंडरा रहे, शाम होते कमल की पंखुड़ी बंद हो गई, उसी के अंदर बंद पड़ी, कोई आया तोड़ करके ले गया। सुबह वो खिलेगा कि नहीं, कुछ भी पता नहीं। उसी तरह आप धमा चौकड़ी लगा रहे। और अगर आप जो ज्ञान गुरु का पाया, अपने घर जाना है, तो घर की याद रहेगी, आप नाम भजन करोगे कि हमारे स्वामी ने, हमारे सतगुरु ने बताया है, तो हम 1 घंटे बैठेंगे, या फला की आए थे उन्होंने बताया है, भैया जी आए थे उन्होंने बताया है, तो हम बैठ करके 15 मिनट करेंगे, 1 घंटा नहीं कर पाते, 15 मिनट पर करेंगे। जाएंगे हरि का भजन, प्रभु का भजन। देखते हो प्रेमियों कि यहाँ से आप जाते हो, ये एक बड़ा डॉक्टर, ये बड़ाना डॉक्टर 5,000 रुपए वाला फीस, ये 50,000 रुपए वाले फीस, और उसको दिखाते हो, और जब उसकी समझ में नहीं आता तो कहता राम जी जाने, अगर उनकी दया कृपा होगी तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं तो हम क्या कर सकते। तो जो कुछ करने वाले और राम जी ही करने वाले, गुरु जी ही करने वाले हैं, डॉक्टर साहब एक माध्यम, संत की दया कृपा है जब तक गाड़ी चल रही है, उस प्रभु की दया कृपा है तब तक गाड़ी चल रही है, और प्रभु की दया के पास खत्म तो ये गाड़ी भी खत्म। तो प्रेमियों सार भेद है, सुमिरन ध्यान भजन लग करके करना। स्वर्ग दिखावे ज्ञान गुरु का, दरस परस प्रभु रामा, दरस
प्रेमियों स्वर्ग दिखाते, फिर प्रभु राम से भी मुलाकात करवाते, प्रभु राम के भी दर्शन होते हैं। प्रभु राम के दर्शन होने के बाद प्रभु राम की जितनी खिलकर जितना पसारा सामने आपको जाने को मिलेगा, किसी के लिए कोई रोग। आराम से देखो, राम भजन करो, राम के चरणों में बैठ करके तुम सारी चीजों को देखो। उसके बाद में उनकी दया हो गई तो आप ब्रह्म पर चले गए। ब्रह्म पर गए तो अपने समरसन सदगुरु के भी दर्शन हुए। वहां ब्रह्म पर उनकी बैठक है, वहां उनके दर्शन हुए और ब्रह्म के भी दर्शन हुए, तो आप क्या हो जाएंगे? ब्रह्म ऋषि। वाल्मीकि की तरह, विश्वामित्र की तरह लिखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, भूत भविष्य का ज्ञान होगा। तो लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, भूत भविष्य का ज्ञान होगा, जन कल्याण भी आप कर सकते हैं। जैसे आपकी गुरु की कृपा हो जाए वो आप कर सकते हैं। और प्रेमियों, सबको ये मिलता नहीं, पर तुम्हारे स्वामी सदगुरु ने जो नाम दिया है उससे सबको मिल सकता है, अगर भजन करेगा तो, लगेगा तो सबको मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे किसी को मिलता नहीं। बहुत कम लोगों की वहां महाराज जी है। अब चलो वहां महाराज जी है, नहीं हर गांव में नहीं महाराज जी हो जाते, हर गांव गांव बड़े बड़े महाराज हो जाते, बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हर गांव में, त्रिकाल धरती ब्रह्म ऋषि हो जाते। और गुरु महाराज ने तो त्रिकाल धरती ब्रह्म ऋषि सतपुरुष बनाने की कोशिश की और सारा जगह पीठ खोया, लेकिन तुमने नाम भजन किए ही नहीं। जब करते तो तुमको मिलता, कर तो वाह, दया तो अलग चीज, और कृपा का मतलब करो तो पाओ। ध्यान मगन हो चढ़े सुरतिया, ध्यान मगन हो चढ़े सुरतिया, पार ब्रह्म के देश में जाती है। जब पार ब्रह्म के देश में जाती है तो इसके जितने कूड़े कचड़े हैं, जितना कलमल है, जितने कर्म कर दिए हैं, सब कुछ खत्म हो जाता। और फिर रोज की गंदगी जो आती है स्मरण करके वहीं जाकर के रोज धो डालता, रोज नहाते। तो ऐसा सरोवर है, ऐसा स्थान है जहाँ पर कलमल महिलाएं कटती है। तो प्रेमियों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग लग करके करो, इससे आपके कलमल महिलाएं कटती रहे, स्मरण ध्यान भजन बनता रहे, अनुभव अनुभूति होती रहे, दिखाई सुनाई पड़ता रहे। पर ब्रह्म पर असली हरि का धाम, उसको असली हरि का धाम, असली राम का धाम कहा जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद जीवन सफल हो जाता है, वापस यहाँ मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा। जब शरीर छूटेगा तो तुम्हें प्रभु के लोक में ही निवास स्थान मिलेगा, इधर आने की जरूरत नहीं। बोलो सत्य गुरुजय गुरुदेव, ध्यान मगना हो सतगुरु गाओ, ध्यान मगना हो सतगुरु गाओ, ज्ञान ज्ञान की गंगा
सतगुरु स्वामी परम अलौकिक गुण को परम अलौकिक गुण को गायो भेद सतगुरु अविनाशी शब्द भेद